बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत बेसिक है। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप गॉस थ्योरम को नहीं समझ पाओगे। आगे आप पढ़ोगे गॉस थ्योरम, ठीक है बच्चों? तो देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सिंपल सी बात है। आपने सीखा है कि अगर कहीं भी चार्ज है तो उसके कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड। इस तरह से ये आप सीख चुके हो, हर कोई जानता है। हर कोई जानता नहीं जानता है, जानते हो आप लोग, ठीक। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इसके पास में कोई क्लोज सरफेस एरिया रख दें तो वो जाहिर सी बात है वो फील्ड उस एरिया से पास करेगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप और अच्छे से देखो बच्चों, ये समझ करो कोई क्लोज सरफेस एरिया है इस तरह से रेक्टेंगुलर, और यहां पे आपने कोई चार्ज रख दिया है तो जाहिर सी बात है इससे लाइनें चारों तरफ निकल रही होंगी, तो इस सरफेस से जो एरिया, जो नंबर ऑफ लाइन पास कर रही होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंडिकेट बाई फाई। इसको फाई से इंडिकेट करते हैं बच्चों, और इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए। अब ये साइन देख के आप घबराना नहीं, इस साइन का मतलब बच्चों क्या होता है, ये साइन सिर्फ इतना बताता है क्लोज सरफेस एरिया का साइन है, जिस क्लोज सरफेस एरिया से लाइनें निकल रही थी उसका ये साइन है, ठीक है बच्चों? तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बार आप लोग फिर से सुन लो, द नंबर ऑफ लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से इंडिकेट करते हैं और फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए। सिंपल आप ऐसे भी ले सकते हो, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, या फिर इसको आप ले सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, ई डी ए कॉस थीटा बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा ए डॉट डी इक्वल टू ए डी कॉस थीटा, तो इसे जो क्या लिखा होता है ए डॉट डी के फॉर्म में था, ई डॉट डी ए तो बन गया ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो बच्चों कॉस थीटा क्या है, ये कौन सा एंगल है? तो बच्चों ये एंगल ये बताता है कि ये जो हमारा सरफेस था, ठीक, इसके और जो नंबर ऑफ लाइन था इसके बीच में कितना एंगल है, वो क्या है, कॉस थीटा है। आप जानते हो बच्चों किसी भी सरफेस का जो यूनिट वेक्टर होता है वही उसके एंगल को इंडिकेट करेगा। तो अब ये देखो बच्चों, सपोज करो ये हमारा कोई सरफेस था, आप देखो यहाँ पे ध्यान समझ रहे, बहुत बेसिक चीज है ये कोई सरफेस था, तो इसका जो परपेंडिकुलर है ये लाइन, ये क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है बच्चों? तो जब आप एंगल चेक करोगे तो आप इस सरफेस के परपेंडिकुलर से और जो लाइनें निकल रही हैं उनके बीच में एंगल देखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया लाइनें इसके बीच से जा रही थी, ये लाइन थी, ये लाइन थी और ये एन था, तो बच्चों देखो ये लाइन कितना एंगल, जीरो डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन होता है, ये आपका आ जाएगा ई इंटू डी ए, सिंपल सा, ठीक बच्चों? अच्छा अब मान लिया समझ करो लाइनें अगर ऐसे ना जाके ऐसे जा रही थी, देखो बच्चों समझ को लाइनें ऐसे पास कर रही थी इस तरह से, इस तरह से, अब देखो बच्चों कितना एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक। जो ये हमारा प्लेन था जिसमें सरफेस था उसके यूनिट वेक्टर से क्या था, 90 डिग्री था, तो बच्चों का 90 का मान होता है जीरो, तो प्लस कितना आ गया, जीरो आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बच्चों? तो अब आपको ये बहुत बेसिक चीज ध्यान रखना है, वैसे क्लियर नहीं क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से लाइनें पास कर रही थी इसके अंदर से, इसलिए फ्लक्स था, यहां इसके अंदर से लाइनें नहीं पास कर रही थी, फ्लक्स जीरो था, सिंपल फिगर से। लेकिन आप फार्मूला कैसे चेक करोगे, एंगल का मान रख के चेक करोगे, ठीक है, कि जो लाइनें पास कर रही हैं वो सरफेस एरिया की यूनिट वेक्टर से कितना एंगल बनाती है, वो आप यहां मान रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सिंपल टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एक बार आप क्विज सुन लो, द नंबर ऑफ लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बच्चों